पहले मुझे दहेज में मिलने वाले 5 लाख रुपए दो, उसके बाद मैं मांग भरूंगा। बेटा पैसे आपको मिल जाएंगे, पहले मेरी बेटी की मांग तो भरो। पिताजी आप मुझे मूर्ख समझते हैं क्या? मैं सरकारी नौकरी लगा हुआ हूँ, सरकारी नौकरी समझे। ये तो आपकी बेटी की किस्मत अच्छी है कि उसको पढ़ा लिखा सरकारी नौकरी वाला स्मार्ट सर्वगुण संपन्न दूल्हा मिल रहा है। 5 लाख रुपए मेरे हाथ में रखो, वरना मैं तो इसकी मांग में सिंदूर नहीं भरूंगा। मैं शादी के लिए मना कर दूंगा नहीं तो। बेटे मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, आप ऐसा मत करो। मुझे बहानेबाजी पसंद नहीं है पिताजी, या तो मैं 3 तक गिनता हूँ, आप मेरे हाथ पर पैसे रख दो, वरना ये शादी कैंसिल। 1, 2, 3। साले हरामी कुत्ते की औलाद, पढ़े लिखे मूर्ख, तू क्या शादी से मना करेगा? एक बात कान खोल के सुन ले और ध्यान से, मेरे पिताजी का इस शादी पे जितना भी पैसा लगा है ना, वो तो वापस करेगा और अभी के अभी देगा। और तू क्या शादी से मना करेगा? तू जैसे गंदे इंसान पे, घटिया सोच वाले इंसान पे तो मैं थूकना भी पसंद नहीं करती। बेटी इतना पैसा अभी हम कहाँ से देंगे? क्यों अंकल जी, लेना ही जानते हो, देना भी सीखो। जब आपका ये कुत्ता हरामी बेटा मेरे बाप की बेइज्जती कर रहा था, दहेज के नाम पे इनसे पैसे मांग रहा था, तब आप चुपचाप क्यों बैठे थे? एक बात ध्यान से और कान खोल के सुन लीजिए, आपको 2 दिन के अंदर हमारे पैसे वापस देने आना होगा यहाँ पे, और तब तक आपका ये बंदर हमारे यहाँ पे नौकर बन के रहेगा, समझा? और अब चलिए चलिए यहाँ से। पिताजी मुझे भी तो साथ ले चलिए, कहाँ फंसा के जा रहे हो आप? कुत्ते भोंकना बंद कर और घर के काम पे लग जा, घर के सारे बर्तन झाड़ू पोछा तुझे ही करना है, समझा? जवाई राजा ऐसा जुल्म मत करो, मैं समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे ससुर जी आपको समाज की पड़ी है, मैं मेरे दोस्तों को क्या मुंह दिखाऊंगा जब मुझे आज यहाँ से स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं मिलेगी, 100 तरह के सवाल करेंगे मुझसे। मेरी धर्म पत्नी जी आप वहां बैठी बैठी क्या सुन रही हो? आप जरा नीचे उतरने का कष्ट करोगे? तो मेरी प्यारी धर्म पत्नी जी मेरी बात आप ध्यान से सुनना, जब मुझे यहां से स्कॉर्पियो गाड़ी मिल जाएगी, मैं उसी दिन आपको मेरे साथ उसी गाड़ी में बिठा के अपने घर ले जाऊंगा। चलो पिताजी लेट हो रहे हैं। ए मिस्टर, 1 मिनट रुक, तू यहां से तो तब जाएगा ना जब तुझे कोई जाने देगा। कौन रोकेगा मुझे? तुझे रोकेगी पुलिस। जब तुम मेरे पिताजी से दहेज की मांग कर रहा था ना, तो मैंने मोबाइल से वीडियो बनाकर पुलिस कंट्रोल रूम में व्हाट्सएप कर दिया है। अब पुलिस आएगी और तुझे जेल लेके जाएगी और जेल में बैठ के चक्की पीसना। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, पति कोई अपने पति को पुलिस में पकड़वाता है क्या? सिर्फ 7 फेरे लेने से कोई पति पत्नी नहीं बन जाता मिस्टर, अब तुम्हारी जगह जेल की सलाखें हैं, जेल की सलाखें। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हें पता है मेरी माँ घर पे इंतजार कर रही है नई नवेली दुल्हन का, तुम मेरे साथ चलो। तेरे साथ जाए मेरी जूती। वाह बेटी वाह, मान गए तुझे,
बेटी हो तो ऐसी। बंधु जी आप पैसों का प्रबंध कीजिए बस। मगर मदन लाल जी मैं इतने पैसे कहां से लाऊं? ससुर जी अगर पैसों का प्रबंध नहीं हुआ तो ये शादी तो कैंसिल समझो। ओके मदन लाल जी आपका बेटा ये क्या बोल रहा है इसे समझाओ ना। ये ठीक ही तो कह रहे हैं पंडू जी, हमें 30 लाख रुपए नगद मिलेंगे अभी तभी तो शादी होगी वरना नहीं। मदन लाल जी ये आप क्या कह रहे हैं, अगर ये शादी ना हुई तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। ये लीजिए ससुर जी ये हमारे जमीन के कागजात हैं, आप इन पे साइन कर दीजिए और जमीन आपकी हो जाएगी आज से। आप तो 30 लाख की बात कर रहे हैं, ये जमीन पूरे 50 लाख की है। अरे बहू ये इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है तो ये जमीन के ही कागजात ना। हाँ हाँ ससुर जी ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं ना, आप इनसे ही पढ़ा लीजिए। हाँ पिताजी आपकी बहू झूठ थोड़ी बोलेगी, ये तो जमीन के कागजात है, इन पे आप साइन कर दो फिर। जजमान सभी तैयारियां हो चुकी हैं, दुल्हा भी तैयार है, दुल्हन भी तैयार है, क्यों न वरमाला यहीं पहनाई जाए। हाँ हाँ क्यों नहीं पंडित जी। बेटी जाओ वरमाला लेकर आओ। अभी लाई पिताजी। पिताजी वरमाला तो मैं भी डलवा लूंगा पर आप फेरों से पहले 30 लाख रुपए शगुन वाले मत भूल जाना लेने। अरे इन्होंने अपनी 50 लाख की जमीन के कागजात हमें दे दिए, अब रह क्या गया। चुप कर गधा कहीं का। ये क्या तमाशा हो रहा है? ससुर जी आप जरा इधर होइए, मैं बताती हूँ इन्हें क्या तमाशा है। हरामी कहीं का, जब तुम दोनों बाप बेटा मिलके तमाशा कर रहे थे तब नहीं सोचा। अरे बहू ये क्या कर रही है तू? मदन लाल जी मेरी बेटी जो कर रही है जो कह रही है एकदम सही कह रही है। अब तुम दोनों बाप बेटा जाओगे सीधा जेल में। किस जुर्म में जाएंगे हम जेल में? दहेज मांगने के जुर्म में, समझा? अच्छा तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हम लोगों ने तुमसे दहेज मांगा है? प्रूफ है ये कागज तुम दोनों बाप बेटे की साइन किए हुए जिसमें लिखा है कि तुम्हें दहेज के नाम पे एसी, कार, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सोना चांदी और 30 लाख रुपए नगद चाहिए, समझे? नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम अपनी जो भी वीडियो बनाते हैं वो एकमात्र मनोरंजन की दृष्टि से और समाज को संदेश देने की दृष्टि से बनाते हैं। अगर किसी भी कारणवश वीडियो की वजह से आपका दिल दुखता है तो हम हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हैं। और अगर आप सबको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब के साथ जो एक छोटी सी बेल आइकन है ना उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो भी नए वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।